नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। वर्तमान विभीषिका की स्थिति में जो तथ्य सामने आ रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। तदनुकूल भारत के उत्कर्ष की परियोजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैं लगभग 28 वर्षों से सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दे रहा हूँ। मेरे वक्तव्य को समझने की स्थिति दैव योग से प्राप्त है। भारत के जो व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं, न चाहते हुए भी वे उन देशों को छोड़कर पलायन करने की स्थिति में हैं और पलायन करने लगे हैं। इसी प्रकार ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के जो व्यक्ति भारत में अन्य प्रांतों में हैं, वे भी उन प्रांतों को छोड़कर अपने प्रांत में आने के लिए बाध्य हो रहे हैं। प्रकृति ने जो परिस्थिति उत्पन्न की है उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक प्रांत को, प्रांत के अंतर्गत जिला आदि को इस ढंग से ख्यापित किया जाए कि 1000 व्यक्तियों में 999 व्यक्ति को अपने क्षेत्र में या अधिक से अधिक अपने प्रांत की सीमा में ही जीविका सुलभ हो जाए। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, चीन की दूषित मनोवृत्ति को परखने वाली विदेशी कंपनियां चीन को छोड़ना चाहती हैं। जापान आदि अन्य देश उनको अपनी ओर आकृष्ट करने में लगे हैं। भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन सद्भावपूर्वक संवाद की संदर्भ में आवश्यकता है। कोई भी विदेशी कंपनी जब दूसरे देश में जाती है तब करती क्या है? वो लाभ उठाने के लिए जाती है या लाभ देने के लिए जाती है? तो निश्चित है कि वहाँ के कच्चे माल को पक्का माल का रूप देती है, अर्थ के स्रोत का शोषण करके पर्याप्त लाभ उठाती है। लेकिन देश के भाग्य विधाता इसको राष्ट्र का उत्कर्ष समझते हैं, राष्ट्र के उत्कर्ष की आधारशिला समझते हैं। भारत में जो परंपरा से वस्त्र निर्माण, बर्तन निर्माण आदि की विधा थी, उसको शिथिल और विलुप्त प्राय कर देने के कारण हम महायंत्रों के माध्यम से उन सामग्रियों की संरचना के पक्षधर हो गए और महायंत्रों का संचालन तो डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि उन सामग्रियों से होता है जिससे दूषण फैलता ही है। अर्थ के स्रोत अंत में अनर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैंने संकेत किया कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से अर्थ के स्वरूप पर भी गंभीर विवेचन की आवश्यकता है।
वर्तमान अर्थशास्त्र का पर्यवसान अनर्थ में हो ही रहा है। ऐसी स्थिति में विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए, राजनीति की क्या परिभाषा होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पर पर्याप्त समीक्षा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक संकेत और करना मैं उचित समझता हूँ। मैंने कई बार अपने वक्तव्य के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित भी किया है कि मनोगत वासना संस्कार का अतिक्रमण करके कोई मनोराज्य या स्वप्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षा पद्धति के क्रियान्वयन से स्वतंत्र भारत में भी 3-4 पीढ़ियों से यहाँ के व्यक्तियों का हृदय और मस्तिष्क उस ढंग से ढल चुका है कि वह विकास के स्वरूप को आधुनिक विधा से ही ख्यापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके मस्तिष्क में कोई रूपरेखा नहीं है। फिर भी कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, अंत में वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, उद्योग आदि के प्रकल्प हैं, उनको समझने और अपनाने की आवश्यकता है। मैं इस बात को भी अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि शासन तंत्र का हठ है, चाहे केंद्रीय स्तर का हो चाहे प्रांतीय स्तर का, कि उसकी सीमा के बाहर कोई आध्यात्मिक धार्मिक प्रकल्प भी न रहे, सबका नियामक शासन तंत्र ही हो। उसमें हाथ कंगन को आरसी किया यह कहावत चरितार्थ है। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थान, केंद्र या दुर्ग, मठ, मंदिर भी हमारे पास नहीं है, शासन तंत्र के पास हैं। और शासन तंत्र में वो समझ नहीं है, शासन तंत्र के पास वो दृष्टि नहीं है कि इनका सदुपयोग कर सके। ऐसी स्थिति में जब आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र को कोई भी स्थान नहीं छोड़ा गया, प्रकल्प नहीं उसके लिए छोड़ा गया, तो राष्ट्र का अपकर्ष सुनिश्चित है। हम किसी भी व्यक्ति पर, वर्ग पर अपने विचार को लादते नहीं। लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक के वशीभूत होकर कुछ भी सोचते नहीं, कहते नहीं। तो मैं फिर एक बार अर्थशास्त्र के अपने आप को विशेषज्ञ और विशेषकर भारत के भाग्य विधाता मानने वाले जो विचारक हैं, ख्याति प्राप्त व्यापार तंत्र, प्रचार तंत्र भी जिनकी मुट्ठी में है, वो अपनी मुट्ठी के बाहर व्यापार तंत्र, प्रचार तंत्र को भी सहन नहीं कर सकते। उनसे मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र के हित में पुनः विचार की आवश्यकता है। और प्रकृति ने वह परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि इन सब विषयों पर हम सहृदयता, गंभीरता और विवेकपूर्वक विचार करें।